जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को। देखिए, जबरदस्त तेजी के बाद अब इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस वजह से इसमें पैनिक नहीं होना है। लोग क्या करें जिसके पास इस कंपनी के शेयर है, यहाँ पे क्योंकि 5% के आसपास गिरावट बेसिकली लोअर सर्किट लगा है, इसलिए 4.5% 5% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ये एक दिन की गिरावट, एक दिन में कभी भी ये स्टॉक आपको 4 से 5% टूटते हुए नहीं दिखेगा। ऐसा तभी होगा जब इसमें लोअर सर्किट लगेगा, और लोअर सर्किट इसलिए लगा है क्योंकि एक चूंकि काफी ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस चला गया था, एक जबरदस्त तेजी से स्टॉक में देखने को मिला है। और जब भी एक अच्छी खासी तेजी स्टॉक में आ जाती है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, वही करेक्शन इस स्टॉक में आ रहा है। तो करेक्शन आने का यह मतलब नहीं कि पैनिक हो गए, इसमें घबरा के बेचने लगना है। बहुत से लोग इस स्टॉक को सेल करें जिस वजह से इसमें लोअर सर्किट लगा है। तो आपको अब आगे क्या करना है, आपके पास शेयर है तो आपको बेचना चाहिए कि नहीं, और जिनका अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो लोग अभी भी इस कंपनी के शेयर्स को और बाय करना चाहते हैं, कुछ लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करने की जरूरत है, उस चीज को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जो आप इस स्टॉक को देखेंगे तो पाएंगे कि एनसीएल रिसर्च अभी जो है ईएसएम स्टेज वन में, ईएसएम स्टेज वन में आ गया है। इसका यह मतलब नहीं कि इसमें पैनिक हो जाने, क्योंकि ईएसएम स्टेज वन में अच्छी कंपनियां भी आती है, ऐसे नहीं, और ये भी अच्छी कंपनी है। इसमें क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर जो आप देखेंगे तो लोअर सर्किट लगा, और क्या होता है अचानक से जब लोअर सर्किट लगता है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि इसमें अपर सर्किट आपको लगते हुए चल रहा था, और हर अपर सर्किट के साथ साथ इस स्टॉक में इसका वॉल्यूम भी एक नया बाउंड्री का हाई स्टॉक बनाते हुए चल रहा था। अब अचानक से इसमें लग गया लोअर सर्किट, तो लोअर सर्किट जब लगता है और एक मतलब बहुत बड़ा गिरावट लोअर सर्किट के साथ, तो कम से कम 4-5% के आसपास गिरावट देखने को मिलता है। तो इस लोअर सर्किट में ये गिरावट की वजह से से भी क्या करता है कि स्टॉक को ईएसएम कैटेगरी में डाल देता है, ताकि ये बात की जांच परख की जा सके आखिर जो तेजी आई थी ये तेजी ओरिजिनल थी या इसको तेजी जबरदस्ती इसमें क्रिएट किया गया था, तेजी जबरदस्ती लाई गई थी। क्योंकि छोटा स्टॉक है तो छोटे स्टॉक को मैनिपुलेट करना आसान होता है, जिस वजह से एक अच्छा खासा जिसके पास पैसा है वो भी चाहे तो इसको मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे देखना होगा कि एक्चुअल में रीजन क्या है, कि किस वजह से प्राइस तेजी आई थी और इतनी जेन्यून थी कि नहीं, तो चलिए उसको हम समझते हैं, फिर आगे आपको क्या करना उसका डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एनसीएल रिसर्च कंपनी के सबसे पहले चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक साल का मैंने चार्ट इस कंपनी का ओपन किया हुआ है, और एक साल के चार्ट पर देखेंगे तो काफी समय से आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक का प्राइस आपको घूमते हुए नजर आ रहा था, काफी समय से इसी रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। हालांकि यदि आप ध्यान देंगे तो आपको यह भी नजर आएगा कहीं ना कहीं स्टॉक आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए भी चल रहा था। हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे फिर प्राइस नीचे आके इसी रेंज में कॉन्सोलिडेट करने लगा था। हालांकि अगर यहीं से ऊपर निकल गया होता तो प्राइस इसके भी अभी ऊपर गया होता। खैर, अभी क्या हुआ, कॉन्सोलिडेशन से निकलने के बाद प्राइस ऊपर गया, और जब भी कॉन्सोलिडेशन रेंज में प्राइस होता है तो उसके बाद निकलने के बाद ऊपर जाता ही जाता है, मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। अब यही करेक्शन की वजह से स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है। तो आपको क्या करना है कि यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए तो आपको घबराने की बात नहीं, आप अभी भी इसको होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग किए थे, अगर उनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नया व्यक्ति अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी काफी टॉप पे स्टॉक पहुंचा हुआ है, टॉप पे बाय नहीं करते, थोड़ा सा इसमें और करेक्शन होने दीजिए। इसका प्राइस जब 1 रुपए के आसपास आएगा तो यहाँ पे इसमें हम लोग नया एंट्री ले सकते हैं 1 रुपए के आसपास। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में जो तेजी देखने को मिल रहा है वो जेन्यून है कि नहीं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कंपनी का बैलेंस शीट। सबसे पहले पहले क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए। क्वार्टर के रिजल्ट जो कंपनी के आते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिला था कि कंपनी का जो सेल्स हुआ है, सेल्स तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख के आसपास, जो पिछले कई क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स से सिर्फ नहीं हुआ था, सेल्स होने के साथ साथ कंपनी का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त बढ़ा था, तकरीबन 24 लाख के आसपास हुआ था। हालांकि पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट देखेंगे तो कम है, सेल्स होने के बावजूद प्रॉफिट कम है, क्योंकि कंपनी के पास जो डेब्ट था, कंपनी उस जो पैसा कमाया सेल्स के जरिए उसका प्रयोग कंपनी अपने डेब्ट को कम करने में कर रही है। तो एक बार जब डेब्ट फ्री हो जाएगी कंपनी, तो डेब्ट फ्री होने के बाद जो पैसा बचेगा उसका यूज कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेगी। और बिजनेस एक्सपेंड करने के साथ साथ क्या होता है कि नए इन्वेंशन होते हैं, इन मैनेजमेंट में चेंजेस किया जाता है, जिसकी वजह से और लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल ये जो सेल्स यहाँ पे आप देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है कि सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, जिसका यह नतीजा है। और एनसीएल रिसर्च का जो काम है, मैंने काम भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ऐसे तो है ये एक एनबीएफसी कंपनी जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है और कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो काम काफी बढ़िया। फाइनेंस का सेक्टर में ओवरऑल काम करने वाली कंपनियां ठीक ही होती हैं, क्योंकि फाइनेंस जगत के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, काफी एजुकेटेड लोग होते हैं, वो कंपनी को डूबने नहीं देंगे, और आपका इस कंपनी में पैसा है तो वो भी नहीं डूबेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा एनसीएल रिसर्च को अपने पोर्टफोलियो में रखें, ये आपको निराश नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट से घबराना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसको ऊपर ही जाना है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।